अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुकिंग विद हबीबा में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक चिकन, जो कि बहुत टेस्टी होता है। आप लोग इसको सूखा मतलब प्लेन राइस रोटी सबसे एंजॉय कर सकते हो। उसके साथ ही मैंने कॉम्बिनेशन में बना रही हूँ आज पालक का पराठा, जो कि बच्चे बहुत नखरे करते हैं खाने में, तो आप ऐसे उसको खिला सकते हैं। तो चलिए, आज जो है बहुत झटपट वाला कुकिंग प्रोसेस है, क्योंकि ये मैं एंड में बताऊँगी क्यों। तो चलिए, यहाँ पे तेल गरम हो गया। मैंने आधा सरसों का तेल ली थी और आधा रिफाइंड ऑयल ली थी, तो उसमें मैंने दो बारीक कटिंग किए हुए प्याज को डाल दी हूँ। और प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे ही प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, अब हम इसमें हमारी धुले हुए साफ़ चिकन डाल देंगे। तो चिकन डाल के अब हमें इसे अच्छे से भूनना है, थोड़ा चिकन का मतलब मॉइस्चर उड़ जाए और वो चिकन भी, ताकि साथ में फ्राई हो जाए। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, एक बार में ज़्यादा नहीं डालिए। नमक देख के आप अगर चिकन को भूनते हैं ना, तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जब तक यहाँ चिकन भुनाई हो रहा है, हम यहाँ मसाला ले लेते हैं। मैंने ली हूँ यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और चिकन मसाला। और ली हूँ मैंने यहाँ पर सब्ज़ी मसाला इसलिए ली हूँ मैंने, क्योंकि मैं इसमें पालक भी डाल रही हूँ। और ज़ीरा पाउडर तो आप थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा ही डालिए, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, अभी से ही एकदम फ्राई फ्राई जैसा लग रहा है ना। तो अब यहाँ पे हम अच्छे से थोड़ा और भूनेंगे। तो आप लोग को बताना मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा आप लोग को ये वीडियो झटपट वाला लगेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं मतलब मसाला डाल दी हूँ। अब मैं मसाला को अच्छे से भूनूंगी, मसाले के साथ में अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि मेरे घर का शिफ्टिंग चालू है और इसके वजह से मतलब कि थोड़ा झटपट वाला वीडियो बना रही हूँ मैं। तो आई होप आप लोग समझ सकते होंगे। तो चलिए, जो भी मसाला पे सॉरी बाटी में जो भी मसाला था, उसको भी धो के थोड़ा सा पानी डाल के भून लेंगे। और देखिए, यहाँ पे माशाल्लाह से हरा भरा पालक है, उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के ऐसे टोकरी पे रख दी थी। अब देखिए, हमारा यहाँ पे मसाला अच्छे से एकदम तेल के ऊपर आ चुका है। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि आपका चिकन पूरा एकदम गल जाएगा या चूर हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाइए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा, जो खाएगा आपका तारीफ़ ही करेगा। तो यह और यह साथ भी जैसे ही तेल छोड़ देगा, हम इसमें पालक डालेंगे। और पालक डाल के आपको एक बूंद भी पानी नहीं देना है। आप 2 से 3 मिनट के लिए बस पलट पलट करके आप ऐसे ही रखेंगे, पालक खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएगा। आपको देख रहे हैं कितना कम हो गया क्वांटिटी में। तो चलिए, अब हम इसे लीड लगा देते हैं और लीड लगा के हम इसे 3 सीटी लेंगे। तो चलिए, जब तक हमारा यहाँ पे कुकर सीटी लगा रहा है, तो हम यहाँ पे पालक का पराठा के लिए पालक यहाँ मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए। अब हम इसे मिक्सर के जार पे डालेंगे और इसका एक प्योरी बना लेंगे। और उसमें हम डालेंगे एक इंच अदरक का और 2 से 3 लहसुन की कलियाँ। अगर आप चाहे तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते। और अगर आप बड़ों की रगड़ी बना रही है, तो इसमें आप 2 से 3 हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि मुझे मेरी बेटी को भी खिलाना था। तो देखिए, ये प्यूरे बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे एक साइड पर रख लेते हैं। देखिए, हमें ऐसे ही पीसना है, ये बहुत ईजीली पीस जाता है और आपको कोई बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, हमारा यहाँ पे 3 सीटी हो चुका है। अब हम इसे ऐसे ही स्टीम में थोड़ी देर रहने देंगे। इसका जो जान है मेन मसाला, तो वो हम बना लेते हैं। ये कोलकाता स्टाइल है भाजा मसाला, जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ धनिया, ज़ीरा, काली मिरी और सूखा मिर्चा, और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें नमक डाली हूँ। और इसे एकदम लो फ्लेम पे हमें भूनना है। हमें इसे इसका रंग चेंज नहीं करना, बस हल्का सा सुनहरा कलर आ जाएगा, हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम थोड़ा ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए, इसका कलर कितना खूबसूरत आ चुका है। तो अब हम इसे ज़्यादा नहीं भुनेंगे, क्योंकि इसका फ्राई पैन भी गर्म रहेगा, तो उससे भी ये बहुत मतलब हीट ले लेगा, मतलब जल्दी गर्म हो जाएगा, वो गर्म रहता है। तो गाइज़, अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी और मेरी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक और शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे नहीं आए, प्लीज़ उनसे भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, स्टीम लेते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, तो अभी भी देखिए पालक में हमने पानी नहीं डाला, फिर भी कितना पानी है। और आप देख सकते हैं, एक एक चिकन का पीस भी अलग है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे भुनने के लिए रखते हैं। तो चलिए, जब तक इसे हम पीस लेते हैं।
तो देखिए ऐसा कोर्स से ही पीसना है, कोई ज़रूरी नहीं। और ये मसाला जो है ना बहुत ही टेस्टी लगता है ना, आप ऐसे ही चाट चाट के खा जाएंगे। आप बच्चों को, जो बच्चे नखरे करते ना अंडा बॉयल खाने में या कुछ भी, आप इसे अंडा हाफ फ्राई कीजिए, आमलेट कीजिए, और बॉयल अंडे में भी आप दे सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है चिकन और पालक काफ़ी अच्छे से भून चुका है, और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत माशाल्लाह से लग रहा है। तो थोड़ा और भूनेंगे, तो देखिए अभी एकदम ये तेल के ऊपर आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग गाइस। थोड़ा सा भाफ लग रहा है कैमरा में, बट आई होप आप लोग समझ सकते होंगे। तो देखिए यहाँ पे एकदम अच्छा, एकदम उसका खूबसूरती देखिए, जब तक सालन तेल के ऊपर ना आए तो उसका खूबसूरती नहीं आता है। तो इस स्टेज में हम डाल देते हैं वही जो हमारा भुना मसाला है। तो मुझे ये फ्लेवर, मतलब इसका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद लगता है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे लगभग 2 छोटे चम्मच डाल रही हूँ। आप 1 चम्मच डालिए, जब आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप दोबारा से डालिएगा। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे डाल के बस हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा देंगे, क्योंकि हमें इसका खुशबू को खोना नहीं है, और गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और ऑफ़ करने के बाद में हम चलते हैं हमारा आटा गूंदने की तरफ। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, और इसका स्टीम को आप गलती से भी, मतलब इसका ढक्कन ना खोलिए, क्योंकि इसे ऐसे ही हम रहने देंगे, बहुत अच्छा खुशबू आता है। तो मैंने यहाँ एक बड़े से परात में ले ली हूँ आटा, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं, या आधा मैदा आधा आटा भी ले सकते हैं। तो नमक डाली, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाली, और जो हमने प्यूरे बनाया था ना पालक का, वो हम डाल देंगे इसमें। और अभी पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, तो एकदम नहीं डालना है पानी, क्योंकि जो भी हमारा मिक्सर के जार में है ना वही हम साफ़ करके डालेंगे। इन केस अगर लगा तो मिक्सर के जार पे पानी डालेंगे, वही पानी हम ले लेंगे। मेरा आटा गूंदने में तो बिल्कुल भी पानी नहीं लगा, एक बूंद भी नहीं लगा। तो इसे मैंने क्या कि ना, तो गाइस एक्चुअली मेरे पैर में ना चोट लगा, जिसकी वजह से मैं खड़ी होकर ज़्यादा काम नहीं कर पाई। तो मैं ना यहाँ रूम पे आ गई और बैठ के मैं आटा गूंदने लगी, क्योंकि मेरे पैर का पूरा नाखून निकल गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है किचन में खड़े होकर काम करने में। तो यहाँ पे मुझे एक बूंद भी पानी का नहीं लगा है, और जो बाकी था मैंने अच्छे से गूंद के थोड़ा सा ऑयल से थोड़ा थोड़ा दे के उसे गूंद लिया। और पेड़ा की साइज़ जो है ना लोई का, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसमें आप चौकोन वाला पराठा भी बना सकते हैं, त्रिकोण वाला भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा, जैसे कि आपको बताया कि मेरे पैर में चोट है, इसी की वजह से मैंने सिंपल राउंड वाला रोटी का जैसे बनाई और पराठा इनसे मतलब तल ली। तो आप देख सकते कितना खूबसूरत, कितना प्यारा कलर आया। जो बच्चे नखरे करते हैं ना पालक खाने में, उसके लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। तो पालक से और भी आपको रेसिपी दूंगी, रोटी बनाने का, पराठा बनाने का, पूरी बनाने का। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पालक का ऐसा कुछ भी बनाएं अपने बच्चों, हस्बैंड या बड़े बुज़ुर्ग के लिए, तो देसी घी से तलना ना भूलिए। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो बटर से भी आप तल सकते हैं, और उसको भी अगर आपको रिप्लेस करना है तो मेरा सजेस्ट है कि आप सिंगदाना का तेल से कीजिए, लेकिन रिफाइंड ऑयल या डालडा तो बिल्कुल भी मत दीजिए। तो चलिए बस आपको ऐसे ही पका लेना, अगर आप चाहे तो आप इसे चौकोन में भी बना सकते, त्रिकोण में भी बना सकते, ये बिल्कुल आप पे है। तो किसी दिन मैं आपको इसकी और भी रेसिपी दूंगी। तो वीडियो में जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पे नहीं आए उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ गाइज, मैंने मेरे चैनल का नाम चेंज किया, अब वो हो गया @cookingwithhabiba124। अब जो भी आप लोग को क्वेरीज ले रहा हो तो आप इसी चैनल को टाइप करके सर्च कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को आगे तक लेके जाइए। आप सबसे यही गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए बन के हमारा पराठा रेडी है। ऐसा कलरफुल पराठा अगर बनता है तो ना बच्चे तो क्या, बड़े का भी मन करता है कि मांग मांग के खा ले, ऐसा कलरफुल पराठा बनाए। तो चलिए यहाँ पे मैं बना ली हूँ। तो माशाल्लाह देखिए मेरा यहाँ पे खाना रेडी है, और ये बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बना था। मेरी बेटी तो ऐसे ही पराठा आम, हाँ कच्चा आम का अचार के साथ में वो खा ली थी। तो आई होप आप लोग को आज का मेरा ये डिनर रेसिपी अच्छा लगा होगा। तो बस क्या ही बोलूँ, अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और अच्छा अच्छा कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा गाइस। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आई होप आप लोग समझ सकते होंगे। आपका एक लाइक से किसी का अगर भला होता है तो अच्छा बात है। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।